भाई जा रहे हैं तो हरियाणा की जीके का पार्ट भाई चौथा कराने जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। एचएसएससी के हरियाणा पुलिस कर्नल पटवारी ग्राम सचिव चाहे कोई सभी पड़ोसारे में इंपॉर्टेंट है भाई। तीन पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है। अगर तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो तीन पार्ट देख लेना। पहले 40-50 पेज की बुक है, उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ यहाँ पूरी की पूरी। तो अच्छी डाल देखनी है अपन ने, और बढ़िया डाल अपने सारे के सारे टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। तो पहला ही जो पहला टॉपिक आज का हुआ है हरियाणा प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, एक या दो, एक तो भाई पेपर में जरूर पूछी जाती है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ने। तो पहली है भाई गोरखपुर परमाणु नाभिकीय विद्युत केंद्र, ये है अपना फतेहाबाद में। ठीक है, क्षमता इसकी 2800 मेगावाट, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्थापना 2014, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने वेरा होना चाहिए। गोरखपुर परमाणु नाभिकीय विद्युत केंद्र हमारा कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीन बंधु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र, तो ये है अपनी यमुनानगर में। उसके बाद पश्चिम यमुना नगर जल विद्युत, ये भी यमुनानगर में, हथनी कुंड और दादूपुर के बीच ये स्थित है पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र खेदड़ गांव में स्थित, तो ये है अपनी हिसार में राजीव गांधी ताप विद्युत खेदड़ गांव में। ठीक है, अगली है पानीपत ताप विद्युत केंद्र आसन गांव में स्थित है, स्थापना हुई थी इसकी 1979 में, क्षमता है 1367.80 मेगावाट। रिवाइज कर लेते हैं, दीनबंधु छोटूराम पश्चिम यमुनानगर यमुनानगर में है। सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यमुनानगर में है। उसके बाद गोरखपुर परमाणु नाभिकीय गोरखपुर वाली फतेहाबाद में, राजीव गांधी वाली हिसार में है। उसके बाद हल्का नीचा आगे भाई अरावली ताप विद्युत महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, सारी की सारी झज्जर में है, सब में ज्यादा भाई झज्जर में है। अरावली होगी महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना जाडली गांव में स्थापित की गई है। 1500 किलोवाट स्थापना हुई थी 2011 में। तो झज्जर में कौन सी है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और अरावली। राजीव गांधी हिसार में है। ठीक है, दीनबंधु यमुनानगर में। उसके बाद है गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद में, और ककरोई सूक्ष्म विद्युत योजना ककरोई गांव गांव में स्थित है, तो ये अपनी सोनीपत में। ठीक है भाई, पानीपत ताप विद्युत परियोजना जो अपनी होगी है। अगला टॉपिक हरियाणा प्रदेश में रेल मार्ग। पिछली बार पेपर में, पिछली तो पिछली बार भाई पेपर में आया था हरियाणा प्रदेश के रेल मार्ग में थे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न समझ गया हम, इसने इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के रेल मार्ग। ठीक है, तो आपने पता होगा भाई यहाँ पर होती हैं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी नैरोगेज ब्रॉड गेज और मीटर गेज तीन होती हैं। नैरोगेज होती है 6.76 मीटर की, और ब्रॉड मीटर गेज होती है पूरी 1 मीटर की, और ब्रॉड गेज होती है 1.678 मीटर की। ठीक है, तो यह कालका छोटी लाइन है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो नैरो गेज है यहाँ पर कालका में। उसके बाद उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है अम्बाड़ा। उत्तरी रेलवे कार्यशैली मतलब जहाँ पे ये कार्य मतलब इनके कोई भी काम है, टूट फूट है इसमें, इंजन में है या तो ये सारे के सारे यमुनानगर में ठीक होते हैं। रेल का जो भी कोई भी पुर्जा खराब है या कुछ है तो उत्तर रेलवे कार्यशाला जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। उसके बाद प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से अमृतसर, तो ये वहाँ भाई पानीपत वाला रेल मार्ग। अगला है रेल कोच केयर कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित किया गया हिसार में, निजी क्षेत्र में देश की पहली रेल परियोजना गुड़गांव। और भाई सारे में इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार भी पेपर में पूछा गया था, जो मेवात है नू का जिसे कहते हैं हम, 2005 में स्थापित हुआ था, मेवात जिले में रेलवे लाइन नहीं है। यह बात याद रखना कि मेवात जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, और सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन मेवात जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रेल के टॉपिक से कोई भी आएगा तो यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस है। और सबसे बड़ा जंक्शन है रेवाड़ी जंक्शन, दो चीज़ याद रखिए मेरे कहने थे, एक तो बड़ा जंक्शन रेवाड़ी, उसके बाद दूसरी बात मेवात, मेवात जिले में रेलवे लाइन नहीं है। अगला है हरियाणा प्रदेश का पशुधन, यो भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अपना ई मैं करता हूँ आगे मैप के और आपने दिखाता हूँ। तो पहला देख लेते भाई पंचकुला में क्या लिख रखा है, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय, तो ये कहाँ पर अपना पंचकुला में, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय पंचकुला में। सबसे कम भैंस वाला जिला, सबसे कम पशुधन, भैंस भी कम है और पशुधन भी सब में कम, कहाँ पर भाई पंचकुला में, यह बात अपनी कॉपी में लिख लो।
उसके बाद जींद की बात है, सबसे अधिक भैंस वाला जिला है जींद और मुर्रा नस्ल है इसमें टॉप पे। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पता होगा आपने NDRI जो भी कहाँ पे है, करनाल में है, 1955 में स्थापित हुआ है। इसकी डेट हमने याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 में NDRI करनाल में आया था। उसके बाद सबसे अधिक भैंस अपन पता लगी जींद में है, दुग्ध नगरी भी जींद को कहा जाता है। उसके बाद सबसे अधिक गायों वाला जिला, सबसे अधिक गायें हैं सिरसा में। उसके बाद देखो भाई यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने, सबसे अधिक गायों वाला जिला है सिरसा, ठीक है, सबसे कम गायें हैं रेवाड़ी में, ठीक है, सबसे कम भैंस है पंचकुला में। उसके बाद राष्ट्रीय अशव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय भैंस अरे सुअर सावर सब के में भाई हिसार में मिला आपने, ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। फिर उसके बाद सबसे अधिक भेड़ वाला जिला भिवानी, सबसे अधिक पशुधन, बस पशुधन याद रखना आपने कि भाई सबसे अधिक पशुधन कहाँ पे है भिवानी में, सबसे कम पशुधन कहाँ पे है पंचकुला में, सबसे अधिक गाय कहाँ पे है सिरसा में, सबसे अधिक गाय, सबसे कम गाय कहाँ पे है रिवाड़ी में, सबसे अधिक मैच कहाँ पे है जींद में, सबसे अधिक मतलब सबसे कम मैच कहाँ पे है पंचकुला में। मैच ज़्यादा जींद में है, कम पंचकुला में, गायें ज़्यादा सिरसा में है, गायें कम रेवाड़ी में है। रेवाड़ी भिवानी में सब ज़्यादा क्या है पशुधन, और पंचकुला में सब कम क्या है पशुधन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में करनाल में बनाया था, NDRI के नाम से जाना जाता है, आपने पता होगा। उसके बाद आता भाई भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 300 से 310 दिन का। 300 दे करेंगे भाई तो हम ये बनेगा अपने 10 से 11 महीने के बीच, 10 या 10.5 महीने इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद है गाय का, गाय का होता है 9 से 10 महीने, ठीक है। भैंस का ज्यादा होता है, गाय का कम होता है, 9 से 10 महीने भैंस का होता है, 10 से 11। अगर दिन याद रख सकते हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। 300 से 310 दिन गाय का आएगा, तो 280 से 310, 300 दिन, ठीक है, 9 या 10 महीने, ये 10+ महीने। उसके बाद भेड़ बकरी 150 दिन है, 5 महीने सिर्फ, ठीक है, 150 दिन 30 से डिवाइड कर देंगे ये तो बनेगा अपना 5 महीने। तो भेड़ बकरी 5 महीने का गर्भकाल है। तो ये हो गया भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट। एक और बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पर हैं सिरसा में, सबसे कम गायें कहाँ पर हैं रेवाड़ी में, सबसे अधिक पशुधन कहाँ पर है भिवानी में, सबसे कम पशुधन कहाँ पे है पंचकुला में, सबसे अधिक भैंस कहाँ पे है जींद में, सबसे कम भैंस कहाँ पे है पंचकुला में। ये थोड़ी सी इनकी नस्ल देख लेते, ये भाई मैंने टेबल सी बना रखी है, जितनी भी मैंने पाई है वह मैंने इसमें लिख ली है, ठीक है। तो गाय है और भैंस है, गाय की बात कर लेते हैं। पहले है साहीवाल, गिर, रेंड, सिंधी, थारपारकर, राठी, ककरेज, अंगोले, अंगोले है हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद मुर्रा भैंस आपने पता है, बदारी, जाफराबादी, सुरती, मोहसाना, नागपुरी, बुरारी, लिथपुरी और नीली रावी। देखो भाई इन को भाई याद कैसे करें, तो याद करने का भी एक बढ़िया तरीका है। देखो साहीवाल और मुर्रा तो हमने बेरा इन्हें नारी कर दो, साहीवाल गाय होती है, मुर्रा भैंस ये मेन नस्ल है इनकी। देखो साई में भाई री है बदावरी, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी, बुरी, लिथपुरी, नीली रावी। तो री री जी समा गया ना, सारे की सारी मैच की नस्ल है। उसके बाद गिर, श्रेड, सिंधी, थार पार्कर, राठी याद रखनी आपने क्योंकि ठीक है इसमें देखो दी दी सारे में थी, ककरेज, ओंगले और हरियाणा, ये सारी की सारी गायें की है। लेकिन जिसमें दी दी री थी मतलब मोस्टली जिसमें ई की मात्रा आ रही है पीछे, तो वह सारी सारी भैंस की है, वैसे गायें की है। एक बार पढ़ लेना याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो इब चलते हैं अपना अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड जाने पहले ये बता देना, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध 835 ग्राम 2015-16 की रिपोर्ट है ये, जो कि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर, पहले भारत में पहले नंबर पर है भाई पंजाब, 1000+ मतलब 1 किलो+ मिला, 1100 कुछ ग्राम है पंजाब का। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है 309 ग्राम। हरियाणा की मुर्रा भैंस पूरे भारत के साथ साथ विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना कहा जाता है। मुर्रा नस्ल भैंस को काला सोना कहा जाता है, जो कि सब में ज़्यादा जींद में पाई जाती है, सब में कम पंचकुला में पाई जाती है। सब में ज़्यादा गायें हैं सिरसा में, सब में कम गायें हैं कहाँ पर रेवाड़ी में, सब में ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है भिवानी में, सब में कम पशुधन कहाँ पर है पंचकुला में। तो भाई ये चीज़ आपने टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके अलावा नीली रावी, जाफराबादी आदि भैंस की नस्ल है, देखो वी वी आ गया ई की मात्रा लास्ट में। उसके बाद गाय की साहीवाल HF हरियाणवी नस्ल की गायें पाली जाती है। विशेष क्या हरियाणा पशु चिकित्सालय प्रशिक्षण संस्थान और ये तो ये दो पंचकुला में, ये 4 बीज फार्म है, राज्य के पशु संपदा फार्म इशार में है।
लेकिन राष्ट्रीय पशु चिकित्सा, देखो ये हमने आप पर दिखाया भी था, एक बार कंफर्म कर लिया भाई अपना। देखो राष्ट्रीय पालतू पशु चिकित्सा केंद्र, ठीक है, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र और हिसार के हो गए अपने पास ये सारे, समझ गए। इसके बाद चलते हैं भाई अगली स्लाइड। अगले हमें हरियाणा प्रदेश के लोक नृत्य, ठीक है, दो चार हूँ बता देता हूँ। हरियाणा प्रदेश के लोक नृत्य हैं, आते हैं पेपर में तो देखो पहले था भाई छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता भाई? शिशु के जन्म पर, यो याद आना, छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाता है। समारोह में चने और गेहूं बांटे जाते हैं, चने और गेहूं बांटे जाते हैं। छठी नृत्य मतलब छठे में दन करते हैं जब कोई शिशु जन्म लेता है। उसके बाद छठी नृत्य गुगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। पुरुष द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। गुगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है छठी नृत्य, कब किया जाता है? भादो माह की नवमी। उसके बाद फाग नृत्य, फाग हमने पता भाई होली के दिन, होली से दो सप्ताह पूर्व किया जाने वाला है। यह रात्रि के स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कुछ जगह पर पुरुष द्वारा भी नृत्य किया जाता है, मगर पुरुष स्त्री के लिए, पुरुष स्त्रियों के नृत्य को देख नहीं सकते हैं। उसके बाद खोड़िया नृत्य, ये भाई ब्याह के रिलेटेड है। यह नृत्य घर में लड़के के विवाह के अवसर पर बरात के घर से जाने के बाद स्त्रियों नृत्य व गायन करती है। मतलब बारात चली जाती है तो वहां पर जो लड़के वाला हो उनके घर के, उसके बारात जाने के बाद वहां पर टाइम पास करने के लिए नाचती हैं, तो उसे कहते हैं भाई खोड़िया नृत्य। छठी नृत्य आपने पता है शिशु के जन्म पर। घोड़ी नृत्य, इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया घोड़े का मुखौटा प्रयोग किया जाता है। घोड़ी नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है। सांग नृत्य, यह नृत्य सांगों के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कलाकारों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रदान नृत्य है। गणगौर नृत्य, यह हिसार में बेहद प्रचलित नृत्य है। गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह अनुष्ठान नृत्य है। झूमर नृत्य, यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कई भागों में हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। उसके बाद विशेष क्या भाई इसमें, डफ नृत्य वीर व श्रृंगार रस प्रदान होते हैं। ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1969 के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने ये इंपॉर्टेंट है, आठ के आठ ने याद कर लियो। अगला टॉपिक है हरियाणा के प्रसिद्ध किले, हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध किले, ठीक है। तो भाई पंचकुला में पिंजौर किला है, रानिया किला है, ठीक है। पिछली बार देखो भाई वो पूछ रखा था पिछली बार पंचकुला में कि भाई रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया, तो रॉक गार्डन का किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया भाई नेकचंद सैनी, ठीक है, नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया है पंचकुला का रॉक गार्डन। उसके बाद है बूढ़िया का रंग महल, छछरौली किला, सगोरा का किला, चनेटी ग्राम का स्तूप, जगाधरी में स्थित यह अशोक स्तूप का अवशेष है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर? अपने भाई यमुनानगर में। जींद का किला जींद में होगा, सिंपल सी बात। सिरसा राजा सारस का किला, उसके बाद पानी करनाल में करनाल गजपत सिंह का किला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पानीपत वाला जो है भाई काबुली बाग किला, महत्व क्या है इसका? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी कितने, कब हुई थी? 1526 में हुई थी। BIAH मैंने याद करने की तरीक बता रही, बाबर इब्राहिम लोधी पहली 26 में 56 में किसके बीच में हुई है? अकबर और हेमचंद्र हेमू, ब्याह याद रखना आपने। काबुली बाग का किला, महत्व पानीपत की पहली लड़ाई जो कि बाबर ने लड़ी थी, उसकी खुशी में मोहम्मद बेगम मुसम्मत की याद में बाबर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या है? काला पत्थर है, मक्का, हुमायूं का चबूतरा और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इसकी दीवार पर, ठीक है भाई। उसके बाद है रोहतक महम की बावड़ी, रोहतक में है। हिसार में क्या है? फिरोज शाह का महल, गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, आसी का किला, हसीन भिवानी, तोशाम की बिरादरी और पृथ्वीराज की कचहरी। तो तोशाम की बिरादरी को क्या कहते हैं? पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा गया। तो भाई आगे नीचे और देख लेते हैं, दो चार और हैं। तो महेंद्रगढ़ में भाई डोसी पहाड़ी का किला, डोसी की पहाड़ी, देखो महेंद्रगढ़ में इनका विस्तार है, तो महेंद्रगढ़ में डोसी पहाड़ी का किला। नारनौल में क्या? इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल राय मुकुंददास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, ठीक है। मुकुंददास बीरबल को कहा जाता था, ठीक है भाई। और बीरबल का जन्म कहाँ बताया गया? तो बीरबल का जन्म बताया गया भाई यमुनानगर में, और सूरदास का जन्म फरीदाबाद में।
गुड़गांव फर्रुख नगर का किला, ठीक है, फर्रुख नगर गुड़गांव में। उसके बाद बादशाहपुर का किला, सोना तावड़ू का किला, सोना का किला, सारे सारे भैया अपन अभी गुड़गांव में मेवा। उसके बाद बलरामगढ़ नाहर सिंह का किला, ये सारे के सारे फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद के 1857 की क्रांति में मैंने बताया था, तो फ्री में क्या नहीं मिलेगी, धान, तो धानु सिंह। तो बलरामगढ़, बलरामगढ़ भी भाई फरीदाबाद में था, नाहर सिंह जो कि यहाँ का राजा था, बलराम सिंह, बलरामगढ़ में नाहर सिंह का किला। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से। आगे चलते हैं भाई अगली स्लाइड पर। आज आ गया भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिर की सारे की सारी मैं इसमें वीडियो में कराऊंगा, मेरे ख्याल में 4 पेज है इसके मंदिर आगे। तो मंदिर भाई ये इन मतलब क्वेश्चन बने बने कुछ कर लो आप, इस चैप्टर ना आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसकी मैं अगले अगर कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सिर्फ मंदिर मंदिर की, दरगाह मस्जिद की, ठीक है। तो आज तो कर लेते हैं भाई इसमें यमुनानगर के मंदिर सारे के सारे। यमुनानगर के हैं देखो भाई सारे ये। तो यमुनानगर में क्या, यमुनानगर का चिट्टा मंदिर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तो युद्ध के समय अर्जुन के ध्वज रथ पर हनुमान जी वास कर रहे थे। इस दौरान हनुमान जी के श्वेत रूप में दर्शन हुए, उस समय से इस स्थान पर हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा स्थापित हो गई, ठीक है। तो उसके जो ध्वज था भाई अर्जुन का, उसके उस पे भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए थे सफेद सफेद उसमें। तो चिट्टा इसी के नाम पर पड़ गया कि भाई हनुमान का चिट्टा मंदिर यमुनानगर में। तो यमुनानगर का चिट्टा मंदिर, चिट्टा मंदिर के नाम आ जाए तो भाई यमुनानगर हमने देने दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद आदि आदि बद्री जगह हमने बताया भाई कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो आदि बद्री नारायण मंदिर नाम सुनते यमुनानगर में भाई। उसके बाद पंचमुखी मंदिर, देखो भाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पंचमुखी है यमुनानगर में, पंचवटी, वटी आ जाना तो वटी है पलवल में, यह बात आपने ध्यान रखनी है। पंचमुखी, मुख मतलब मुख कहाँ होता है, अपना ऊपर होता है, ऊपर क्या है यमुनानगर, पंचवटी, वटी मतलब पैर लगा लो, पैर कहाँ पे होते, नीचे होते, नीचे क्या पे है भाई पलवल, ठीक है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, जगाधरी में मध्यकालीन शैली व आधारित मंदिर में सभी धर्मों के अवतारों और देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर 42 फुट गहरा व 11 मंजिल का है, ठीक है भाई। भगवान परशु सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है, यमुनानगर में। पंचमकालीन जैन मंदिर, यो भी यमुनानगर में। लेकिन जो ये ऊपर वाले बताए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, यमुनानगर का चिट्टा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, आदि बद्री नारायण मंदिर, पंचमुखी, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ठीक है। उसके बाद मनसा देवी मंदिर एक मेन है पंचकुला, मनसा देवी मंदिर भाई ये बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे मंदिर पे, देखो मैंने नोट भी बना के ले रखा है, पंचमुखी है यमुनानगर में, पंचवटी है पलवल में, ठीक है। उसके बाद भूतेश्वरी मंदिर, रानी का तालाब, देखो एक तो भूतेश्वर मंदिर है, ये रानी के तालाब के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो रानी का तालाब जींद में और भूतेश्वर मंदिर भी जींद में, इन भाई अपने दिमाग में फिट कर लो, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जींद में, ठीक है। अदिति का मंदिर करनाल में, करनाल के अमीन गांव में स्थित मंदिर के बारे में माना जाता है कि अमीन गांव में ये, कि इस स्थान पर अदिति ने सूर्य को जन्म दिया था, तो सूर्य के जन्म देने से पूर्व तपस्या की थी, ठीक है। सूर्य को जन्म देने से पहले अदिति ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उसका नाम रख दिया यहाँ पर भाई अदिति का मंदिर। उसके बाद है कुतानी घाट ठाकुर द्वारा जज्जर में, बेरी कहाँ पे है जज्जर में, बेरी का रूडी महल और भीमेश्वरी माता देवी मंदिर भी जज्जर में है। अगला है डिगल गाँव का शिवालय, डिगल गाँव का शिवालय भी, डिगल भी गाँव मेरा भाई अपन है जज्जर में है, ठीक है। उसके बाद आता भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम में बहुत बड़ा मंदिर है, सीएम के अंडर आता भाई ये, जो भी इसकी इनकम होती है। तो शीतला माता मंदिर गुड़गांव स्थित, इस मंदिर के बारे में जाना जाता है कि महाभारत काल में आचार्य द्रोणाचार्य कौरव व पांडवों को धनुष विद्या का प्रशिक्षण दे रहे थे। यह चैत्र मास के नवरात्र वैशाख व आषाढ़ माह में मेले लगते हैं, ठीक है, पलवल और एक ये शीतला माता मंदिर, मतलब सीएम के अंडर आते हैं ये सारे के सारे। उसके बाद रोहतक भाई, रोहतक में शिव मंदिर किला भी बहुत बड़ा मंदिर है, रोहतक में शिव मंदिर किलोई। तो भाई ये देखो ये मंदिर आपने सारे के सारे याद रखने, अपनी कॉपी में लिख लो, चाहे नोट्स बना लो, नहीं तो आईसीएस के जो बालक हम इनके पास बुक है, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो भाई यार ये अंत की है मानचित्र वाली आप भी ले सकते हैं। और दो भाई आईसीएस के स्टूडेंट देखो वो जो कर रहे हैं तो उनका भी फायदा है, ऐसी बात नहीं, नुकसान है, आप अपनी बुक खोल कर बैठ जाओ आरिज ना सुनते रहो, आपका भी फायदा है, क्योंकि अगर कोई बोल कर बताता है एक अपने आप पढ़ रहा है तो बोर हो जाता भाई बंदा, अगर कोई बता रहा है हम पढ़ रहे हैं तो मन लगा रहता है। तो इसके बाद देखते भाई अपना अगला टॉपिक,
उसमें देखो एक नोट दे रखा भाई लास्ट में, वर्तमान समय में डिग्गल गांव जर जिले में 15 जुलाई 1997 में डिग्गल रोहतक में जिले में था, ठीक है। क्योंकि क्यों था, क्योंकि 1997 में झज्जर, और दूसरा जिला कौन सा आया था, फतेहाबाद। दो है थे 1997, फतेहाबाद और झज्जर अलग हो गए थे, 97 में हुए थे भाई सोनीपत और भिवानी, ठीक है। तो अगर पता हो भाई सारे ने तो एक बार कमेंट चक्कर का जरूर बताना भाई कौन कौन से जिले कौन कौन से उसमें बने थे, तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और कमेंट के कमेंट हो जाएंगे वीडियो पर। उसके बाद आ गया अगला टॉपिक हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर सेकंड पार्ट। उसके बाद देखो भाई ये सारे के सारे कहाँ के हैं, सारे के सारे हैं कुरुक्षेत्र के मंदिर, जो ये लिख रखे हैं सारे के सारे कुरुक्षेत्र के हैं। तो कुरुक्षेत्र के मंदिर कौन सा, पहला है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, सन्नी सौर के निकट है ये। तो पहला होगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा अपना स्थानेश्वर महादेव मंदिर, तीसरा देवी कूप भद्रकाली। देखो देवी तालाब पानीपत में है, रानी का तालाब जींद में है, देवी कूप यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। देखो भाई हरियाणा जी के भी चलाने वाली है सारी, बस अपना माइंड में सेट करके चलना कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर है। तो और 2-3 बार रिविजन मारोगे तो भाई जब जाकर अपने के दिमाग में बात बैठेंगी। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देवी कूप है कुरुक्षेत्र में, उसके बाद रानी का तालाब है जींद में, उसके बाद देवी तालाब है पानीपत में, ठीक है। दुख भंजनेरे दुख भजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर मंदिर बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण स्थानेश्वर देवी कूप और दुख भंजनेश्वर सर्वेश्वर मंदिर बिरला मंदिर सारे के सारे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद अड़का नीचा आ गया भाई, देवी तालाब मंदिर मैंने बताया था पानीपत में। देवी तालाब मंदिर पानीपत में स्थित भगवान शिव का मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा, ठीक है। देवी का तालाब कहाँ किसके द्वारा बनाया, रघुनाथ मराठा सरदार था रघुनाथ द्वारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में बनाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई को हुई थी 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। उसके बाद अगला है भाई नीचे, उसमें नीचे जाने से पहले एक और बताएगा, देवी कूप कुरुक्षेत्र में रिवीजन करा देता हूँ, देवी तालाब पानीपत में, रानी का तालाब पीछे पटा था कहाँ पे है जींद में। उसके बाद आगे मंदिर और आने देखो, कालेश्वर है कुरुक्षेत्र में, दुख भंजनेश्वर भी कुरुक्षेत्र में। कैसे याद करना, दुख भाई काले होते हैं, दुख हमेशा काले या काली यादें देकर जाते हैं, तो दुख काली यादें देते हैं, दोनों एक जगह है, दुख याद कर लो चाहे काले याद कर लो, कुरुक्षेत्र में दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद है अंबकेश्वर, अंबकेश्वर आपने याद रखना भाई कैथल में, अंबकेश्वर कैथल में। देखो जो स्वर स्वर सारे पीछे ना वह वाले मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं। उसके बाद हट भूत, भूत को कह रहा है भाई भूत तू हट जा, हट भूत कहाँ पे है जींद में, रानी का तालाब कहाँ है जींद में, देवी तालाब कहाँ है पानीपत में, उसके बाद देवी कूप कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में। तो ये हो गया भाई अपना रिवाइज, थोड़ा अड़का नीचे चलते हैं। अगले आगे भाई फरीदाबाद के, ठीक है, फरीदाबाद के मंदिर है दाऊ जी का मंदिर। देखो दाऊ जी मंदिर, दाऊ जी जी मंदिर की आपने क्या रही है, दाऊद मतलब दाऊद कोई बड़ा आदमी, बड़े आदमी सारे कहाँ रहते हैं अमीर शहर में, अमीर शहर कौन सा भाई फरीदाबाद है, सब में ज़्यादा पॉपुलेशन भी हुए हैं। तो दाऊद दाऊ जी का मंदिर, दाऊद था हमने रिलेट कर लेना दाऊद, ठीक है। उसके बाद पंचवटी मैंने बताया दिया पलवल में, पंच पै पै तय रिलेट कर लेना पंचवटी पलवल और पंचमुखी कहाँ था भाई यमुनानगर में। उसके बाद है 11 रुद्र शिव मंदिर, 11 रुद्र शिव मंदिर कैसे करना भाई, 11 के ऊपर देखो दो डंडे होते हैं 11 में, और कैथल के ऊपर के हैं दो डंडे तो हैं, कैथल के ऊपर भी दो मात्रा हैं, 11 में भी 11 रुद्र शिव मंदिर में भी दो डंडे हैं। तो कैसे हो जाएगा भाई, कैथल में हो जाएगा। अंबकेश्वर मैंने बता दिया कैथल में है, और आगे भाई एक और मंदिर आगे नवग्रह कुंड, अगली स्लाइड में वो मैं इधर बता रहा हूँ नवग्रह कुंड। देखो जितनी भी गिनती है 11 9 11 तो हमने बेर लगाया कैथल में, 11 और 9 जितने भी मतलब 11 रुद्र 11 रुदी शिव मंदिर और नवग्रह कुंड दोनों के दोनों भाई कैथल में है, यह अपन बात याद रख लो। नवग्रह कुंड 11 रुदी शिव मंदिर दोनों के दोनों कैथल में है, देवी कूप कुरुक्षेत्र में है, देवी तालाब पानीपत में है, और रानी का तालाब जींद में है। ये बताने थे अंबकेश्वर कैथल में है, हटकेश्वर भूतेश्वर जींद में है, उसके बाद दुख भंजनेश्वर और कालेश्वर कुरुक्षेत्र में। अगला भाई शिव मंदिर भागवत, भागवत तो देखो भाई मोट
कोई बंदा नजर आ रहा भाई जो बहुत ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है और बहुत ज्यादा मतलब लड़ाइयों में रहता है। शिव मंदिर भागवत तो महेंद्रगढ़ सब में ज्यादा पहलवान और मतलब लड़ाई के लिए तैयार, शिव मंदिर भागवत इससे ऐसे रिलेट कर लेना भाई महेंद्रगढ़। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा आता है तो चामुंडा देवी मंदिर भी महेंद्रगढ़ में। तो भाई छोटा मोटा कहीं से भी रिलेशन लिख रहा है आपके बस माइंड में एकदम बत्ती जल जानी चाहिए भाई पेपर में आ जाए तो हाँ भाई वो बात वहां पर बोली थी तो महेंद्रगढ़ में यो चीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई ये वाली स्लाइड के मंदिर कंप्लीट। अगली वाली में चलते हैं। तो अगला कह रहे हैं प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, या कराऊंगा भाई अगले सेशन में, अगला पार्ट में, पांचवा पार्ट जो होगा इसका। तो जीत के लिए भाई बोर होने लगे होगे, जो मंदिर वाली भाई वीडियो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों भाई रट लियो इन मत, एक क्वेश्चन में लिख के दे इसको भाई यो परमाप के में जरूर आओगा। तो भाई वीडियो बढ़िया लगे तो यार एफर्ट बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर देना और वीडियो ना लाइक कर देना यार अगर बढ़िया लगी हो तो। वीडियो हम भी यार देखो टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो इतना एफर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर बनाए भाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताया करो, बढ़िया लागे घटिया लागे कुछ भी लागे बता दिया करो, अपनी दिल की भड़ास काट दिया करो भाई। और सारे नु कह रहा यार भाई देखो हर एक बंदा किसी भी पूरा नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी 100% नहीं होता है, किसी में कुछ ना कुछ कमी भाई जरूर हुए हैं, मेरे में भी कमी है, अगर तुम बताओगे सुधारेंगे, लेकिन अपना बढ़िया प्यार तो बताया करो, नू नहीं है कुछ भी लिख दो यार फिर मैंने वो ब्लॉक मारने पड़े बंदे। ठीक है, तो जो भी हो बढ़िया राल बताया करो, कोई भी बंदा 100% नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी हो वो बताने पे पता लग जाए बंदे ने। ठीक है भाई, तो मैथ की भाई कोई वीडियो रह रही, मैथ की वैसे यार ज़्यादातर आली है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स की करे भाई डाल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जो दूसरे चैप्टर है भाई उनने अपने तैयार कर लो, और एडवांस मैथ पर जोर रखो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में सारा का सारा एडवांस मैथ आ हुआ, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन चैप्टर पर जोर रखो, आपका पेपर ईव की बार जरूर क्लियर होगा, और 2 महीने में भाई भर्ती पार बोल लेंगे सारी की सारी ये। तो अपनी तैयारी एक तरफा कर दो और दिन रात एक कर दो। धन्यवाद, जय हिंद।